कश्मीर की लड़कियां इतनी सुंदर, क्या आपने कभी सोचा है कि कश्मीर की लड़कियों की खूबसूरती का राज क्या है? जी हाँ, क्या मेरी तरह भी आपके मन में भी ये सवाल आता है कि कश्मीर की लड़कियां इतनी सुंदर कैसे होती हैं? अगर हमारे देश में खूबसूरती की बात की जाए तो सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है। वहां की खूबसूरती ओए होए होए होए, वहां की लड़कियां ओए होए होए होए। और अगर आप वाकई में वहां की खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सनसनी खबरों के साथ। मैं सोनपरी, कैमरामैन साहिल के साथ, नमस्कार। शिट यार, ब्रेक आ गया। इस ब्रेक की तो ऐसी की तैसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस राज से मैं पर्दा उठा ही देती हूँ कि वहाँ की खूबसूरती का राज क्या है। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई से मैं आपका सामना कराऊंगी। वहाँ की खूबसूरती का राज है वहाँ का ठंडा माहौल, वहाँ का वातावरण। तो लड़कियों, महिलाओं, वुमेन्स, आपके लिए है खुशखबरी कि ठंडियाँ आ चुकी हैं और आप भी वैसी खूबसूरत त्वचा पा सकती हैं। अच्छा, इसलिए वहाँ की लड़की इतनी सुंदर होती है। अब तो मैं भी बनूंगी इतनी सुंदर, फिर मेरे को लड़के छेड़ेंगे। नमस्कार। अब तो मैं भी सुंदर होऊंगी। ठंड हो जाए। अरे बेटा उठ जा, सूरज सर पे आ गया है, और जाके नहा ले। अरे मम्मी क्या है यार, जब देखो नहाले नहाले। अभी अक्टूबर के लास्ट में ही तो नहाई थी, आप भी कुछ भी मत बोला करो। अरे सिप्पू बेटा कम से कम आज तो नहाले। अरे मम्मी क्या है यार, सोने दिया करो ना, परेशान मत करो। हाँ तो इस लड़की की Thank you.
back to my channel Altu Faltu Fashion Vlog and my name is Sonpari and today I'm gonna share with you my winter lookbook. So let's get started. So here is my look number one. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ग्रे कलर की जैकेट पहनी है जो कि बहुत ही गर्म है और ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसके साथ ही मैंने पहनी है डेनिम की स्कर्ट जो कि इतनी ठंडी में पहनने का आपका कोई सेंस नहीं बनता। सो गर्ल्स अगर आप हॉट लगेंगी तो आपको ठंड कैसे लग सकती है। लोगों का काटना इतना भी आसान नहीं है। अरे वाह, पूरे एक महीने बाद ऐसी धूप, क्या मौसम है यार। आज तो नहाना बनता है। अरे यार स्मेल भी बहुत आ रही है, नहाई लेती हूँ। इतना बड़ा डिसीजन मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ, बच्ची हूँ यार मैं भी। हाँ क्यों ना भगवान जी से पूछूं कि वो क्या चाहते हैं। लक ट्राई करती हूँ। नहाऊं ना नहाऊं, नहाऊं हट, ये सब तो बकवास होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। वैसे भी मेरा कलर तो साफ है ही, नहीं नहाऊंगी तो भी चलेगा। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। मुझसे पहले तू जल जाएगा। यार मम्मा ठंड बहुत है, कुछ खाने के लिए बना दो प्लीज। और मम्मा सूप भी बना दो, मम्मा गर्म पानी भी कर दो, मम्मा चाय, मम्मा कॉफी, और मम्मा वो हेडशॉट। नलायक ढी ढोलक परेशान करके रखा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यार मम्मी अब तो चाय बना दो, अब तो चप्पल भी मार दी। अरे बेटा राम प्यारे ठंड हो रही है, सूसू करके सो। अरे मम्मी जब आएगा तो तब कर लूंगी ना सूसू, बच्ची थोड़ी हूँ। अरे यार प्रेशर तो बन रहा है, ऐसा करती हूँ कर ही लेती हूँ। पर यार ये रजाई इतनी गर्म कौन छोड़ के जाएगा, कोई नहीं सुबह देखा जाएगा। मम्मी वो पानी गिर गया था, मैंने कुछ नहीं किया। हे गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना। और गाइस जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस इसको भी फॉलो कर देना, आपने पहचाना ये भी था वीडियो में। मैं भी। और ये हमारे डीओपी भाई साहब को भी फॉलो कर देना गाइस, ठीक है। बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको फेवरेट पार्ट कौन सा लगा है, ये लड़की आपको अच्छी लगी है ये।